नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रेम की रसोई एंड ट्यूशन ब्लॉग में। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज की रेसिपी हम आप लोग से शेयर करूँगी बिहार का फेमस मनारसा के रेसिपी। लगभग ये 4 से 5 मिनट लगता है गाइज बनाने में, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको 1 महीना तक रख के खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है गाइज। इसमें थोड़ा सा ऊपर व्हाइट तिल डालते हैं गाइज। तो हमने मार्केट में सभी जगह व्हाइट तिल को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, इसीलिए मैंने इसको सिंपल बनाया है गाइस। इसमें आपके तरफ तिल मिलेगा तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से गाइस तिल को डाला जाता है। इसके अंदर मैंने खोआ भर के बनाए हैं, आप चाहें तो सिंपल भी बना के तैयार कर सकते हैं गाइस। तो आइए, बनाने का तरीका हम देख लेते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल पहली बार देख रहे होंगे, तो ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए चावल को बढ़िया से वॉश कर लिए है। इसको 10 मिनट के लिए हमने पानी में डाल के रख दिए थे, उसके बाद पानी से निकाल के हमने हल्का सा इसका पानी बनी सुखा लिए है। पानी सुखाने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो देखिए, हम एक चावल को तोड़ के दिखाते हैं, चावल फूल जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम चलिए इसको ग्राइंड करते हैं गाइस। उसके लिए हमने सबसे पहले मिक्सी के जार लेंगे। आप चाहें तो गाइस मार्केट से भी चावल के आटा खरीद के उससे भी मनारसा बना सकते हैं। हम चावल घर पे पीस के इसलिए बना रहे गाइस कि जिसको मर्जी हो बनाने का, वो फटाफट घर के चावल से बना के तैयार कर सकते हैं। घर पे चावल तो सभी के पास रहता है गाइस। तो उसके लिए हमने मिक्सी के जार में चावल को डाल लेंगे। उसके बाद हम बढ़िया से इसको पेस्ट बनाएंगे, जैसे आटा के पेस्ट रहता है उसी तरीका से हम इसको बना के तैयार करेंगे गाइस। तो देखिए, हम थोड़ा सा हाथ में टच करके आप लोग का दिखा रहे हैं, इस तरीके से पेस्ट को तैयार कर लेना है गाइस। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे फ्राई पैन बैठाए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे गाइस। देसी घी डालने से एकदम मिठाई जैसा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसको हम सभी जगह फ्राई पैन में मिक्स कर लेंगे, घी बढ़िया से पिघल जाएगा। तो हम चावल के आटा इसमें डालेंगे गाइस। चावल के आटा हम कटोरी में निकाल लिए है गाइस कि आप लोग का बनाने में आसानी हो, मेजरमेंट करने में आसानी होता है इसे। देखिए, एक कटोरी से थोड़ी सी कम हमने चावल लिए हैं। अब इसको हम लगभग 1 से 1.5 मिनट हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि जो चावल है इसका जो हल्का सा कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट इसको भूनना है गाई, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पे हमारा 1 से 1.5 मिनट हो गया है गाई। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जिस कटोरी से हमने चावल डाले हैं उसी कटोरी से हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के पानी लिए हैं। अब सारे पानी को हम डाल लेंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम हमने लो कर दिया है, हाई नहीं रखेंगे। अब साथ में हम चीनी डालेंगे। हमने आधा छोटा कटोरी इसमें चीनी डाले हैं गाइस। अपना मीठा के अकॉर्डिंग चीनी को कम बेसी कर सकते हैं गाइस। चीनी डालने के बाद इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इसमें हम गाइस इलायची पाउडर को डालेंगे। इलायची पाउडर से भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा मनारसा का। अब उसके बाद हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। जैसे आटा के डो रहता है गाइस उसी तरीका से इसको तैयार करना है। तो ज़्यादा इसको गीला नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरीका से इसको रखना है। सूखेगा तो और ये टाइट हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिए हैं, अब उसी में इसको हम रख लेंगे गाइस। हमने इसको शाम के टाइम में बनाए हैं, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसको हम कल सुबह में मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो इसको हम फ्रिज में रख के आते हैं गाइस। सुबह के 8 बज रहे हैं, हम स्टोपिंग फ्रिज से निकाल लिए हैं। अब चलिए मनारसा बनाना शुरू करते हैं। इस टोपिंग को फ्रिज में रख देने से गाइस ये बढ़िया से सेट हो जाता है।
हमें मनासा बनाने में बहुत ही आसानी होता है, फटता नहीं है गाय। तो आप लोग भी जब भी बनाइएगा तो 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रख दीजिएगा। उसके बाद हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रख देते हैं गाय। तो इसको अंदर भरने के लिए हम स्टोफिंग को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने दोबारा से गैस पे फ्राई पैन बैठाए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नारियल के बुरादा लिए हैं। अब इसको हम हल्का सा 1 मिनट रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घर पे मावा बनाए हैं, तो मावा को हम इसमें डाल लेंगे। मावा हमने घर पे बनाया है गाय, आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद के बना सकते हैं या घर पे भी मावा बना के तैयार कर सकते हैं। साथ में हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे। चीनी गाय अपना मीठा के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम लो करके सभी चीज़ को लगभग 1 से 1.5 मिनट हम दोबारा से इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसे क्या होगा कि जो हमने चीनी डाला है, चीनी बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो इसको तब तक मिक्स करना है जब तक चीनी इसका बढ़िया से पिघल ना जाए। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट लगता है गाय चीनी पिघलने में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, गैस को हमने बंद कर दिए हैं। इसको 2 मिनट के लिए हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। मावा का स्टोफिंग गैस कुछ इस तरीके से बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए इसमें बढ़िया से घी को हमने सुखा लिए हैं, घी इसमें बिल्कुल नहीं है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। गैस पे हमने दोबारा फ्राई पैन बैठाए हैं, इसमें हमने सरसों तेल डाला है गैस। मनारसा को हम सरसों तेल में बना रहे हैं गाइस। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं उस तेल में मनारसा को बना के तैयार कर सकते हैं। रिफाइंड हो या नारियल हो, कोई तेल में आप बना सकते हैं। अब तेल को हम बढ़िया से गरम कर लिए हैं गाइस, इसलिए हमने गैस पे बैठाए हैं। मनारसा बना के इसको रखना नहीं है, बनाते रहना है, तेल में डालते रहना है गाइस। उसके लिए हल्का सा हम हाथ में तेल लगाए हैं। उसके बाद जैसे रोटी के लोई लेते हैं, सेम उसी तरीका से छोटा छोटा लोई लेना है। उसके बाद दोनों हथेली के मदद से इसको इस तरीका से सुंदर चिकना बना लेना है। उसके बाद अंगूठा का मदद से इसको बीच में होल कर देना है। उसके बाद मावा का स्टोपिंग हम इस तरीके से भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा स्टोपिंग के भरने के बाद मुँह को बंद कर लेंगे, इसको सुंदर चिकना बना लेंगे गाइस। अब हमारे पास व्हाइट तिल नहीं है, नहीं तो इसको चिकना बनाने के बाद गाइस इसको व्हाइट तिल भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन बिना व्हाइट तिल के भी ये मिठाई बढ़िया बन के तैयार होता है गाइस। अब कुछ इस तरीके से इसको हमने बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसमें हम बनाते रहेंगे, इस तरीके से डालते रहेंगे। इसको बना के रखना नहीं है गाइस, बनाते रहना है, तेल में इसको इस तरीके से डालते रहना है। डालने के बाद गाइस इसको हम 1 मिनट छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम हाई करके 1 मिनट छोड़ देने के बाद हम इसको इस तरीके से एक एक करके पलट लेंगे। 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम हम इसको लो कर देंगे गाइस। बनारसा को डीप फ्राई करने में लगभग 3 से 4 मिनट लगता है गाइस। यहाँ पे हमारा मनारसा तैयार हो गया है। देख पा रहे होंगे गाइस कितना सुंदर मनारसा के कलर आया है। बाकी के जो बचा है उसको भी हम इसी तरीका से डीप फ्राई कर लेंगे। आशा करती हूँ गाइस कि मनारसा की रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगला नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।